हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आइए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कंसेप्ट दिया था सेंट्रल जीएसटी का, स्टेट जीएसटी का, इंटीग्रेटेड जीएसटी का, करीब करीब वही इसमें रिपीट है। तो फ्रैंकली इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो होगी ये, और इस वीडियो में कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको पिछली वीडियो का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है और इसके आगे जो अब असाइनमेंट में एक पैराग्राफ दिया है वो आप पढ़ के समझ सकते हैं, तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी, यू टी जी एस टी। मैंने उसी चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन किया है जो पिछली वीडियो में था। मैंने लिखा है द जी एस टी टू बी लेविड बाय द सेंटर, द जी एस टी टू बी लेविड बाय द सेंटर। एक एक वर्ड में इसमें समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिए। जो जी एस टी लेवी करना है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेवी मतलब एक तरह से आपके ऊपर अप्लाई करना है, आपसे टैक्स की रिकवरी करनी है। और ये कौन कर रहा है? सेंटर। सभी बच्चे इस बात को समझते ही हैं कि हिंदुस्तान में दो तरह की गवर्नमेंट है ना, एक पार्लियामेंट है और एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, है ना। जैसे आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, है ना, अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये जो लॉ बनाते हैं ये पूरे हिंदुस्तान के एंगल से पार्लियामेंट में बनाते हैं। और जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी एक स्टेट का, है ना, जैसे अभी अगर हम बात करते हैं दिल्ली का, वैसे दिल्ली प्रॉपर स्टेट नहीं है लेकिन फिर भी दिल्ली का जो लॉ है वो, जैसे इस समय यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है तो वो जो लॉ बना रही है वो दिल्ली पे एप्लीकेबल है, या नीतीश की गवर्नमेंट जो है वो बिहार में है, या ममता बनर्जी की बंगाल में है, या इसी तरह से अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो लॉ बनाती हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट पर अप्लाई होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर अप्लाई होता है। दोनों के अपने अपने काम हैं, दोनों को अपने अपने पैसों की ज़रूरत होती है, और गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो मेनली टैक्स के थ्रू आता है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अब जैसे पहले क्या होता था, सेल्स टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होती, अब तो सिर्फ एक जीएसटी रह गया, तो उसको इन्होंने डिवाइड कर लिया। दैट इज़ द कंसेप्ट कि भाई काम तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सबको सैलरीज देनी है, है ना, कोई सड़कें बनाता है, कोई जो है इंडस्ट्रीज़ लगाता है, कोई डिफेंस सर्विसेज दे रहा है। दोनों दोनों गवर्नमेंट्स के अपने अपने अलग अलग रोल हैं। जैसे अगर मैं गलत नहीं तो डिफेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना, देश की सिक्योरिटी के लिए जो डिफेंस का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। दोनों में बहुत खर्चा है, दोनों को पैसा चाहिए, कैसे होगा अपने आपसे, फ्री में तो कुछ होने सर। तो इन्होंने क्या किया कि उस टैक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया कि भाई जो भी जीएसटी लग रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में से आधा तुम रख लो, आधा हम रख लें बाय डिफॉल्ट। ये अभी एक सिस्टम है। तो द जीएसटी टू बी लेविड बाय द सेंटर ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब मैं पिछली वीडियो में ये अच्छे से समझा चुका हूँ कि भाई इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, जो सेम स्टेट में जिसका काम खत्म हो गया। अब द गुड्स और सर्विसेज इज सेंट्रल जीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी टैक्स वो हो गया सीजीएसटी, और जो बाय द स्टेट्स है वो क्या हो गया SGST। ये मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से समझा दिया था, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर यही चीज़ यूनियन टेरिटरी में है तो यूनियन टेरिटरी का भी GST है, UTGST, वो एक ही बात है। अगर माल की डिलीवरी किसी स्टेट से है तो SGST और CGST लग जाएगा, और माल की डिलीवरी सप्लाई अगर किसी यूनियन टेरिटरी से है तो उस पर UTGST लग जाएगा और SGST लग जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इफ़ देर इज़ एन इंटर स्टेट सप्लाई, माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, फिर मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, उसमें फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसमें फिर दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों मतलब SGST और CGST, दोनों को जोड़ के एक साथ ही डबल टैक्स लग जाएगा IGST, इंटीग्रेटेड GST, एंड दैट विल बी कलेक्टेड बाय दी सेंटर। याद रखिएगा, एक बार तो इसको सेंटर कलेक्ट करेगा, फिर ये आपस में डिवाइड करेंगे कंजम्पशन स्टेट के बेसिस पर कि माल फाइनली किसने कंज्यूम किया, करेक्ट। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक डीलर है महाराष्ट्र में, इस बार ये एग्जाम्पल बनाया, उसने क्या किया, माल बेचा, कंज्यूमर भी महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, चाहे नागपुर से पुणे बेचा है, एक ही स्टेट है ना। तो डीलर महाराष्ट्र, कंज्यूमर महाराष्ट्र, 10,000 का माल, GST रेट 12%, तो इसमें क्या होगा, CGST लगेगा आधा 6%, है ना, और SGST रेट भी हो जाएगा 6%, तो ये दोनों आधा आधा लगाएंगे, क्लियर है ना भाई। महाराष्ट्र के डीलर ने सामान बेचा है, करेक्ट। अब महाराष्ट्र के डीलर ने जो सामान बेचा उस पर 12% मान लेते हैं GST लगना है, तो 6% जो है उस पर टैक्स लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने CGST, और 6% उस पर लगा दिया स्टेट गवर्नमेंट ने CGST। दैट इज़ द कंसेप्ट।
राइट। अभी लेकिन जो डीलर है उसको टोटल 1200 रुपये लेना है, 10,000 पे 12% उसका जीएसटी लग गया एंड द डीलर कलेक्ट्स 1200। वो बात अलग है, उसमें से आधा एक गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, आधा दूसरी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। लेकिन अगर वो माल बेचता है गुजरात में, कौन, वही महाराष्ट्र वाला, तो अभी तो ये क्या लग गया, 12% तो है लेकिन दिस विल बी IGST, इसमें सीधा जो है वो 1200 रुपये टैक्स जो है वो सरकार पे लग जाएगा। द GST रेट इज 12%, इन सच केस द डीलर हैज टू चार्ज अच्छा 1 लाख की सेल दिखाई इस बार, तो 1 लाख पे 12% 12,000 हो गया एज IGST, और ये IGST जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसका अगला जो है टैक्स इनवॉइस का, इसके कंटेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं इसको फिर चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में ही लूँ, इसलिए भी ये वीडियो थोड़ी छोटी कर रहा हूँ। बेटर रहता कि मैं इसको पिछली वीडियो के साथ ही करा देता, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। चलिए, और अच्छे से मैंने आपको अपनी तरफ से करा दिया, फिर भी कोई डाउट हो तो आप जो है असाइनमेंट देख सकते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।